गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर मैथ्स क्लास एंड टुडे वी विल कंटिन्यू एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द टोटल वेट इन केजी। के वेट दिए हुए 4 वेट ऑफ 500 ग्राम। अगर हम 500 ग्राम के 4 वेट रखेंगे तो कितने केजी होगा, हमें केजी में बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, 4 × 500 ग्राम इक्वल टू कितना हो जाएगा, अभी हम कॉपी में करते हैं तो पता चलता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द टोटल वेट इन केजी। सो ए पार्ट, 4 वेट ऑफ 500 ग्राम्स, तो 4 × 500 इक्वल टू कितना जाएगा, 400 × 400 = 200 कितना हो गया, 2000 ग्राम यानी कि 2 केजी। ओके, ग्राम। अब हम क्या करेंगे, इक्वल टू 2000, हमें केजी में निकालना है ना, तो 2000 upon 1000 तो कितना आ जाएगा, 2 केजी इक्वल टू 2 केजी आ जाएगा आंसर हमारा। ओके, नाउ बी पार्ट हमारा 7 वेट ऑफ 200 ग्राम्स। तो 7 वेट ऑफ 200 ग्राम्स, सेवन इंटू 200 ग्राम्स इक्वल टू 7 × 7 × 7 = 14 ग्राम्स। 14 ग्राम्स हो गया। अब हमें इसको केजी में निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1400 upon 1000 तो कैसे आएगा इसका आंसर, इसको डिवाइड करके देखेंगे, 1400 × 1000 = 1000 × 0 = 4 − 0 = 4 तो हमारा आ जाएगा 1 whole 400 upon 1000। अब हम इसको भी कट कर सकते हैं, देखिए 0 0 ये कट हो गया। अब हम इसको 2 से काट देंगे, 2 × 2 = 4 की टेबल में 10 नहीं आएगा, 2 से काटेंगे इसलिए 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। ओके, आंसर इज 1 kg 2 upon 5 grams। ओके, नाउ सी पार्ट, 3 weights ऑफ 750 grams। तो हम क्या करेंगे, 7 weight × 750 grams इक्वल टू 3 0 3 5 = 15 5 3 5 = 15 5 carry 1 3 7 = 21 or 1 = 22 2250 grams। अब हमें इसको केजी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, 2250 grams upon 1000। ओके, अब इसको डिवाइड करके देखेंगे, 2250 ग्राम 1000 × 2 = 2000 0 5 − 0 = 5 2 − 0 = 2 तो हम कैसे इसको कैसे लिखेंगे, 2 whole 250 upon 1000। हम इसको कट कर सकते हैं ना, 0 0 25 को 5 से कट कर सकते हैं, 5 5 = 25 और 5 2 = 10 0। अब हम इसको भी कट कर सकते हैं, 5 1 = 5 5 4 = 20 तो कितना जाएगा, 2 whole 1 upon 4 आंसर इज 2 whole 1 upon 4। ओके,
Now D part. Five weight of 250 grams है ना, तो हम इसको आपको कॉपी में करते हैं. Five into 250 grams, 5 into 250 equal to 50, 5 5 25, 25 का 5 carry 2, 5 2 10 और 2 12. ओके, अब हम क्या करेंगे इसको 1250 अपॉन 1000 केजी में करना है ना, ये ग्राम में आ गया, हमें केजी में करना है. तो 1000 डिवाइडेड बाय 1250 ग्राम, 1000 5 माइनस 0 5, 2 माइनस 0 2, तो कितना जाएगा 1 होल 250 अपॉन 1000. इसको कट करेंगे हम, 25 बन जाए 25, 25 4 जा 100, तो आंसर इज 1 होल 1 अपॉन 4. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8. द वेट ऑफ अदिति एंड पालकिन टुगेदर इज 996 kg 200 grams. अदिति और पालकिन दोनों का वेट मिलाकर 96 kg 200 grams है. इफ पालकिन वेट्स 51 kg 256 grams, उस उन दोनों में से पालकिन का वेट 51 kg और 256 grams है, तो व्हाट इज द वेट ऑफ अदिति. हमें अदिति का वेट बता करना है कि अदिति का वेट क्या है. तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए कॉपी में करते हैं. सॉल्यूशन वेट्स ऑफ अदिति एंड पालकिन इक्वल टू 96 kg 200 grams. वेट ऑफ पालकिन इक्वल टू 51 kg 256 grams. तो वेट ऑफ अदिति इक्वल टू 96 kg 200 grams माइनस 51 kg 256 grams. ओके, इक्वल टू कैसे करेंगे हम, केजी और ग्राम, 96 kg 200 grams, 51 kg 256 grams. अब इसको माइनस कर देंगे. ओके, जीरो माइनस सिक्स नहीं होगा, इधर भी जीरो है नहीं होगा, तो यहां से हम कैरी लेंगे. यहां से कैरी लेके कितना होगा, 10, 10 माइनस 6 4. अब यहां पे 10 हुआ ना, तो यहां पर हो गया 9, 9 माइनस 5 4. यहां पे कितना रह गया, 1, 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो हम यहां से कैरी लेंगे. अब तो यहां से कैरी कितना हो गया, 11, 11 माइनस 2 9. ओके, अब यहां पर यहां से कैरी लेने, तो यहां पर क्या हो गया, 5, 5 माइनस 1 4 और 9 माइनस 5 4. तो अदिति का वेट कितना हो गया, 44 kg 944 grams. वेट ऑफ अदिति
equal to 44 kg, 944 grams. ओके अब आप ये सब अपनी कॉपी में करेंगे और जो ना समझ जाए वो मुझसे पूछेंगे. ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे.